फ्रेंड्स, ऐसे मल्टी वेंडर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस सोसाइटी प्रोसेस चल रही है, तो ऐसा कि हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एड न्यू प्रोडक्ट पर वर्क किया था, जिसमें हमने ये फॉर्म बनाया था प्रोडक्ट को ऐड करने का, और इस फॉर्म का यूज़ करते हुए हमने इमेज अपलोड की फंक्शनिटी कम्प्लीट की थी, जिसमें हमने हमारे इस फोल्डर में हम चल रहे हैं, अगर हमारे लैम्प पर तो हम जाते हैं ओपीटी, देन ओपीटी के बाद लैम्प, लैम्प में हमारा स्टॉक फोल्डर है, स्टॉक फोल्डर के अंदर ई कॉमर्स, देन ई कॉमर्स हमने यहाँ पर अपलोड फोल्डर बनाया है, इसके अंदर हमने इमेज अपलोड कराई है। अगर हम इन सभी इमेज को डिलीट कर देते हैं, देन अगेन इस फॉर्म को हम सबमिट करते हैं, तो यहाँ पर इमेज सिलेक्टेड हमारी, वो इमेज हमारे इस डेटाबेस में आ रही है, हमारा फोल्डर है इसके अंदर आ रही है, और हमने इसका जो नाम है वो इस यहाँ पर गेट भी किया हुआ है इस जगह पर। तो आज हम इसे डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। इसे इंसर्ट करने के लिए हम सबसे पहले जो हमारा पोस्ट का डेटा आ रहा है उसे हम एक वेरिएबल में लेंगे, देन यहाँ पर देते हैं डेटा, देन डेटा के अंदर हम यहाँ पर पोस्ट का डेटा देंगे, और इस डेटा के अंदर हम इमेज को ऐड करेंगे हमारी। तो यहाँ पर आते हैं, देन यहाँ पर देते हैं हम इमेज, देन इसके बाद यहाँ पर देते हैं कट, और इसके बाद यहाँ पर हम देंगे स्पेस सेमी कॉलन, देन यहाँ पर प्रिंट आर में करेंगे हम डॉलर डेटा, देन इसे हम करते हैं सेव, अगेन इंस्पेक्ट करेंगे, देन इंस्पेक्ट करने के बाद आते हैं हम नेटवर्क पर, देन क्लिक करेंगे, तो देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है टाइटल, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्रांड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी, प्रोडक्ट, देन इमेज, हमें ये सारी वैल्यू मिल रही है। तो अब हमें इन सभी वैल्यूज़ को डेटाबेस में इंसर्ट करना है। यहाँ पे देखिए इमेज भी हमारी आ चुकी है, और इमेज हमारे इस फोल्डर के अंदर स्टोर हुई है, तो इसे हमें डेटाबेस में इंसर्ट करना है। तो इसे इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे, हमारे कॉमन मॉडल का यूज़ करेंगे, तो हम ओपन करते हैं हमारा कॉमन मॉडल, और कॉमन मॉडल के अंदर है हमारे पास इंसर्ट डेटा फंक्शन, एंड यहाँ पर आते हैं हम, देन यहाँ पर हम लिखेंगे डॉलर धीस सी एम, सी एम, देन यहाँ पर होगा इंसर्ट डेटा, जिसमें हम पहला पैरामीटर देंगे हमारी टेबल का नाम जो है प्रोडक्ट्स, देन सेकेंड पैरामीटर है डेटा, देन यहाँ पर कॉमन ही लगा इसलिए एरर आ रही है, तो यहाँ लगाते हैं हम कॉमा, देन यहाँ पर हम करते हैं एको जेसन इनकोड, और यहाँ पे देंगे हम एक एरे जिसके अंदर होगा स्टेटस ट्रू, देन मैसेज होगा प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, यहाँ देंगे प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, देन यहाँ पर हम लगाते हैं सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम देंगे रिलोड, देन रिलोड होगा हमारा बेस यूआरएल प्रोडक्ट्स स्लैश, देन प्रोडक्ट्स स्लैश मैनेज प्रोडक्ट, यहाँ पे देते हैं मैनेज प्रोडक्ट, तो हमारा इस पर रिडायरेक्ट होगा। और अगर इमेज अपलोड नहीं होती है तो यहाँ पर आते हैं हम, और यहाँ पे लिखते हैं इस बेस वैल्यू को हटा देते हैं हम यहाँ से, रिलोड के में कोई ज़रूरत नहीं इसमें, देन यहाँ पर हम देते हैं फॉल्स, देन यहाँ लिखेंगे ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल आर अलाउड, देन से हम करते हैं सेव, एंड अगेन चेक करते हैं, तो यहाँ पर कंसोल पर हमें प्रिंट होना चाहिए जो भी वैल्यू आ रही है, तो हम जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर एरर आ चुकी है, तो हम देखते हैं 500 क्या एरर आई है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास एरर आई है डेटाबेस से रिलेटेड, और यह है अननोन कॉलम सब कैटेगरी, तो हम कॉलम को रिप्लेस कर देते हैं, सब अंडरस्कोर कैटेगरी को सब कैटेगरी कर देते हैं, तो यहाँ पर हम इसे करते हैं चेंज, देन यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट एंड सेव, अगेन चेक करते हैं, देन क्लिक करेंगे, तो देखिए सक्सेसफुल हमारा जेसन आ चुका है, और हम यहाँ पे आके देखें तो देखिए स्टेटस ट्रू, देन यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है,
तो अब हमें इस कंडीशन को हमारे इस सजेक्स में मैनेज करना है। यहाँ पर अगर स्टार ट्रू मिलता है तो यहाँ पर हम अलर्ट देंगे RESP डॉट मैसेज, देन यहाँ पे होगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट HREF और यहाँ पे होगा RESP डॉट रिलोड जो हमने यहाँ पर पास किया हुआ है। देन इसी तरीके से यहाँ पर इसके else पे भी आएंगे, देन सेव करेंगे इसे। देन सेव करने के बाद हम एक बार से रिलोड करेंगे। देन रिलोड करने के बाद अगेन हम इसमें डेटा फिल करते हैं। देन इसमें हम इमेज सेलेक्ट करते हैं हमारी एंड प्राइस, एंड यहाँ पर प्राइस देंगे। देन क्वांटिटी हो चुकी है हमारी एड, एंड जैसे हम क्लिक करते हैं एड पर तो देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड आ चुका है। देन जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा प्रोडक्ट एड हो चुका है। देन हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं और अगर हम डेटाबेस में जाके देखें तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। देखिए दो बार हमने इंसर्ट किया था, दो प्रोडक्ट हमारे आ रहे हैं। एंड हम इसे एक बार डिलीट करके देखते हैं अगेन ऐड करके, तो यहाँ पर हम अगेन आते हैं इस फॉर्म पर। देन यहाँ पर हम वैल्यू ऐड करते हैं, देन यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं किसी ऐसी इमेज को जो इमेज नहीं है, या PSD फाइल को सिलेक्ट करते हैं। देन ऐड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ओनली JPG एंड PNG फाइल आर अलाउड। और अगर हम डेटाबेस में आके देखें तो देखिए डेटाबेस में कोई वैल्यू नहीं है। एंड अगर हम यहाँ पे वैलिड इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारी डेटाबेस में वैल्यू आ जाएगी। देखिए प्रोडक्ट सक्सेसफुली एडेड, देन ओके करने पर हमारे डेटाबेस में यहाँ पर डेटा भी हमें शो होगा। तो देखिए यहाँ पर पूरा डेटा आ चुका है जिसमें हमारी इमेज भी आ रही है। अब हमें इसे यहाँ पर लिस्टिंग में शो करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिस्टिंग में शो करने की फंक्शन हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंप्लीमेंट करेंगे जिसमें हम डेटाबेस से हमारा सारा डाटा फेच करेंगे और उसे यहाँ पर लिस्ट में शो करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी किसी में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स आप मेरे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।